रायगढ़ जिला प्रशासन ने पेट के गंभीर बीमारी से ग्रसित 10 वर्षीय बालक के इलाज के निर्देश मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को दिए हैं। दरअसल रायगढ़ जिले के भजनडीपा निवासी सुमित्रा भारद्वाज अपने मासूम बच्चे दिनेश भारद्वाज को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर इलाज के लिए गुहार लगाई थी। रायगढ़ जिले के भजनडीपा निवासी सुमित्रा भारद्वाज अपने 10 साल के मासूम बच्चे दिनेश भारद्वाज को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंची। दरअसल पीड़िता के 10 साल के मासूम बच्चे दिनेश भारद्वाज बेहद ही गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसके पेट में गंभीर बीमारी होने की बात कही गई है, जिसका इलाज का खर्च बहुत ज्यादा बताया जा रहा है तथा पीड़िता उस इलाज के खर्च का निर्वहन करने में असमर्थ है। इस कारण से उन्होंने कलेक्टर महोदय से अपनी समस्या रख इलाज करवाने का निवेदन किया है। जिला प्रशासन ने तत्काल पीड़िता की बात और समस्या को देखते हुए मेडिकल कॉलेज के अधिकारी को फोन में बात कर हालात को समझते हुए महिला की हर हाल में मदद करने को कहा गया तथा महिला को तत्काल वहीं से जिला अस्पताल भेजा गया और डॉक्टर से मिलकर अपनी बात रखने को कहा गया। आपको बता दें कि पीड़िता के बच्चे की हालत बेहद ही गंभीर है और पेट में गंभीर बीमारी होने के कारण बच्चे का वेट असामान्य आकार में बढ़ता ही जा रहा है। पेट अत्यधिक बड़ा होने के कारण बच्चे का चलना फिरना इत्यादि क्रियाकलाप सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इलाज समय पर नहीं होने से बच्चे की हालत और भी अत्यधिक खराब हो गई है, परंतु जिला प्रशासन की सकारात्मक पहल और सकारात्मक दृष्टिकोण से बच्चे को तुरंत स्वास्थ्य लाभ दिलाया गया, जिस पर महिला ने जिला प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया है। मेरा नाम सुमित्रा भारद्वाज है। मैं अपने बच्चे 10 साल का उसके शरीर पेट में कुछ बीमारी है उसका इलाज करवाने के लिए कलेक्टर सर से निवेदन के लिए आई हूँ। क्या बोले कलेक्टर सर? और कलेक्टर सर बोले जाइए, आपके बच्चे को हॉस्पिटल में कहीं भी जाओगे तो इलाज कर देंगे बोले हैं। इसलिए मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, डॉक्टरों के पास जा रही हूँ अपने बच्चे को लेकर। अभी 10 साल का दिनेश भारद्वाज नाम का मरीज आया हुआ था जिसके पेट में सूजन है, तो अस्पताल अधीक्षक को निर्देशित किया गया है कि आवश्यकता अनुसार उसका उपचार करें। आप अगर ऑपरेशन की आवश्यकता है तो ऑपरेशन का सुविधा भी उपलब्ध कराएं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, SEN24।